Sorry, it's DJ. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे। और आज के इस वीडियो में हम ऐश ग्रीन कलर को जो है हाइलाइट्स जो हैं उनको करना सीखेंगे। सबसे पहले तो हम लोग जो है ब्लीचिंग पाउडर के लिए क्यूने का अल्टीमेट पाउडर ब्लॉन्ड पाउडर यूज़ कर रहे हैं, और साथ ही 30 वॉल्यूम का जो डेवलपर है उसको ऐड करेंगे। और बाल जो हमने आज हमारे पास जो मॉडल है उसके बाल वर्जन है, वर्जन बालों पर काम करना बहुत ज़्यादा ईजी होता है और आप ईज़िली अपने मतलूबा कलर तक पहुँच सकते हो, ठीक है। यानी कि कम मेहनत करते हुए आप अच्छे रिजल्ट तक पहुंच होते हो। जबकि इसके बरक्स अगर आपके बाल ट्रीटेड होते हैं, मेटालिक होते हैं, तो उस पर आप कितनी भी मेहनत कर लें आपको 100% जो है वो रिजल्ट हासिल नहीं हो पाते। तो बहरहाल जब भी आप ऐसे कलर्स की तरफ जैसे ऐश ब्लॉन्ड यानी बहुत लाइट कलर की तरफ जाना पड़ता है, जिसमें आपको 10 लेवल तक अपने बालों को लिफ्ट करना पड़ता है, या आपको जो है बहुत ज़्यादा हाईलाइट करना होता है अपने बालों को, तो उसके लिए आपको हमेशा वर्जन बालों कोशिश करनी चाहिए कि वर्जन बालों पर काम करें। मेटालिक या मेहंदी लगे हुए बालों पे जो है वो इस तरह का काम आप मत करें, वरना आपको 100% रिजल्ट नहीं मिलेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं फ्रंट से शुरू करने जा रही हूँ, ठीक है। और बाल हमारा 3 लेवल का है, वर्जन बाल है, और इसको मैंने सबसे पहली जो मैंने लाइन ली है उसको मैंने वीविंग में किया है, क्योंकि फ्रंट पे बहुत सारा लाइट कलर जो है हर एक को पसंद नहीं होता है, ठीक है, इसलिए फ्रंट पे मैं थोड़ा लाइट ही कलर रखूँगी। और हाँ, ये वीडियो मैं अपनी बिगिनर्स के लिए बना रही हूँ। बिगिनर्स को अक्सर प्रॉब्लम होती है कि उनके फॉइल जो है वो स्लिप होकर नीचे आ जाते हैं, तो वो ये छोटे छोटे जो क्लिप्स हैं या ये पिंस कह सकते हैं आपको, सेक्शनिंग पिंस होती हैं, इनको वो यूज़ कर सकते हैं इजीली जो है, ताकि उनके जो फॉइल्स हैं वो स्लिप होकर नीचे तक नहीं आए, ठीक है। तो इस तरीके से आप बहुत अच्छे से ब्लेंड करते हुए फ्रंट पे मैंने अपने बालों के अकॉर्डिंग के बालों की लेंथ देखते हुए जो फॉइल पेपर की जो है वो कटिंग की है, स्लाइसिंग टेक्निक के साथ जो है वो काम करूँगी। और आज हम देने जाने वाले हैं अपने मॉडल को ऐश ग्रीन हाइलाइट्स, ठीक है। और इसके लिए देखें, बिल्कुल बारीक बारीक सेक्शन जो है वो लेंगे। सेक्शन के बारे में मैं आपको बता दूँ कि अगर हमारे क्लाइंट के हेयर्स जो हैं वो बहुत थिक हों, ठीक है, तो ऐसी सूरत में आप स्लाइसिंग की जो लेयर्स हैं वो थोड़ी सी जो है वो मोटी रख सकते हैं। लेकिन अगर हमारे आपके क्लाइंट के जो हेयर्स हैं वो बहुत लाइट हों यानी थिन हेयर्स हों, तो ऐसी सूरत में कोशिश करें कि आप बहुत बारीक बारीक लेयर्स लेके तो उन पर आप काम कर लें, वरना पूरा हेड आपका जो है वो एक तरह से जो है वो हाईलाइट आपको नज़र नहीं आएंगी, है पूरा हेड ही आपका जो है वो लाइटर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप करके तो आप मसलन काम कर सकते हैं। और हर एक फॉइल पेपर को जो है वो हम बिल्कुल अच्छे से जो है वो लपेट देंगे, और उसके साथ छोटी सी सेक्शनिंग पिन लगा देंगे, ताकि हमारे फॉइल पेपर एक ही जगह जो है वो स्टेबल रहे, ठीक है। अच्छा, अभी तो आज हम जिन क्लाइंट के हेयर्स पे काम कर रहे हैं उनकी लेंथ तो नॉर्मल है। आई थिंक मैंने जितने भी हेयर्स मेरे पास डाई के लिए आते हैं उनकी लेंथ बहुत लॉन्ग होती है, और लॉन्ग हेयर पर काम करने का जो है वो एक अपना एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट हेयर पे काम करना इतना जो है वो मुश्किल नहीं होता है। लेकिन अगर बहुत लॉन्ग हेयर्स होते हैं तो उस पर आपको बहुत लंबा सा फॉइल पेपर लगाना होता है, और वो फॉइल पेपर इतना भारी हो जाता है क्योंकि उसमें मटेरियल ज़ाहिर है काफ़ी ज़्यादा लगा होता है, तो वो इतना भारी हो जाता है कि आपको अच्छा खासा जो है वो टाइम लगता है उसको फिक्स करने में, उसको जो है कलर लगाने में, और उसको अच्छे से लपेट के और इस तरीके से उसको ऊपर आपको पिन लगा देनी चाहिए, ताकि वो स्लिप होकर बिल्कुल नीचे ना आए। साइड पर मैं जो है वो स्क्वेयर में जो है वो लगाऊंगी, फॉइल लगाऊंगी, ताकि हमारी लाइंस जो हैं वो बहुत अच्छे से नजर आए, ठीक है। और ये हमारा पूरा स्क्वायर में जाएगा ऊपर तक, और बैक पे हम जो है बैक पर भी हम स्क्वायर में लाइट सा जो है वो स्क्वायर करके, तो उसमें जो है हम
अपनी स्लाइसिंग करेंगे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हमारी जो है वो काम चलेगा। पूरी वीडियो को अच्छी तरह से देख लिया करें ताकि कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो, मिस्टेक हो, कमेंट के थ्रू आप पूछ लिया करें। वैसे भी कमेंट का मेरी कोशिश होती है कि आपके हर कमेंट का जो है वो जवाब दिया जाए। वैसे जितनी डिटेल के साथ आप लोगों के साथ वीडियोज़ जो हैं वो शेयर की जा रही होती हैं, पूरा का पूरा प्रोसेस आप लोगों के सामने जो है वो किया जा रहा होता है। हालाँकि ये वीडियो हमारा पूरे पूरे दिन का वीडियो होता है, जिसको हम बिल्कुल छोटे छोटे क्लिप जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, जो बिगिनर्स को समझने के लिए इजी हो, उन क्लिप्स की जो है वो एडिट किया जाता है और वो आप तक जो है वो पहुंचाया जाता है। और इंशाल्लाह हमारे लाइव सेशन भी आप लोगों के साथ चल रहे हैं। जिन बच्चियों को प्रॉब्लम रहता है कि उनके जो है वो हेयर्स पे उनको सही से कलर करना नहीं आ रहा है, तो अभी तक तो माशाल्लाह से मेरे चैनल ने इतना ज़्यादा जो है वो ग्रो किया है, वो आप लोगों की दुआ से है। और मेरे चैनल से बहुत सारी ऐसी ब्यूटिशियंस के जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गए हैं कि जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती थी अपने हेयर्स को जो है वो डाई करने में, ठीक है। और अब माशाल्लाह से जो है वो चैनल के थ्रू सीख रही हैं, दुआएं जो हैं वो दे रही हैं, तो उन लोगों का बहुत थैंक्स बोलना चाहूँगी, ठीक है। और गुजारिश करना चाहूँगी उन लोगों से कि वीडियोस को जो है वो आगे अपने फ्रेंड्स के साथ भी जो है वो शेयर किया करें ताकि उनकी भी जो है वो हेल्प हो सके। और अभी रिसेंट हमारा बहुत अच्छा वर्कशॉप रहा, ठीक है। वर्कशॉप में जो है वो काफ़ी दूर दूर से लोग मेरे पास आए थे, तो उन सबका बहुत थैंक्स। और ये सब आप लोगों की दुआ से है कि माशाल्लाह से पूरे पाकिस्तान से लोग जो है वो मेरे पास आना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। बहुत अच्छी हमारी क्लासेस जो हैं वो चल रही होती हैं, ठीक है। हालांकि मैं अवॉइड कर रही होती हूँ कि क्लासेस जो हैं वो ना ही अपने सैलून के ऊपर जो है वो मसलन अरेंज की जाएं, लेकिन ये है कि आप लोगों के इतने सारे कमेंट होते हैं कि मुझे लाजमी जो है वो एक आध महीने में कोई ना कोई ऐसी वर्कशॉप जो है वो रखना पड़ती है, ताकि उससे यह है कि मुझे भी आप लोगों के साथ जो है वो मिलने का मौका मिल जाता है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, इतना प्यार जो है वो बांटते हैं कि आप बिलीव नहीं कर सकते हैं कि उनको चाहे कहीं भी आना पड़े, उन लोगों की इतनी मोहब्बत होती है कि वो बोलते हैं कि बस आप बता दें कि हम आपसे कहाँ पे मिल सकते हैं, ठीक है। तो बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इतनी मोहब्बत और प्यार देने के लिए कि शायद इससे इतने प्यार के मैं काबिल भी नहीं थी, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला मज़ीद वीडियोज़ आप लोगों के लिए जो है वो लेके आती रहूँगी। आप लोगों के कमेंट मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते रहते हैं, ठीक है। आप लोगों के अच्छे क्वेश्चन होते हैं जिनको लेके मुझे खुद जो है वो एक नया आइडिया मिलता है कि आप लोगों को किस तरह के वीडियोज़ जो है वो चाहिए, किस तरह की वर्किंग आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करना है। ज़्यादातर मेरे जो है वो डाई के वीडियो या मेरे रिबॉन्डिंग के वीडियो, मेरे हेयर ट्रीटमेंट्स के वीडियोस जो हैं वो आप लोग बहुत ज़्यादा जो है वो लाइक करते हैं और बहुत दूर दूर से मेरे पास करवाने के लिए भी आते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं आप लोगों का थैंक्स बोलना चाहूँगी। अच्छा, हमारी जब कमिंग कंप्लीट हो गया है, हमारा पूरा फॉइलिंग फॉइल हमने लगा लिया है, ठीक है। अभी हम ऐश ग्रीन कलर करने जा रहे हैं। हमें 10 लेवल तक अपना डाई जो है यानी कि हाइलाइट्स कट डाउन का रिजल्ट मिल चुका है। अभी हमने वॉशिंग कराना है अपने क्लाइंट को, हेयर्स को जो है वो वॉयलेट शैम्पू के साथ, ठीक है। वॉयलेट शैम्पू के साथ वॉशिंग कराने के बाद हमें यूज़ करना है 8.19 नंबर, ठीक है। इस कलर को जो है हमें 10 वॉल्यूम डेवलपर में डबल रेशो में जो है वो यूज़ करना है। बहुत सारी बच्चियां क्वेश्चन करती हैं कि डबल रेशो का क्या मतलब है, तो मैं आपको बता दूं कि जितनी ट्यूब होगी इस उससे डबल आपको जो है वो डेवलपर को यूज़ करने हैं, तो उसे डबल रेशो जो है वो बोला जाता है, ठीक है। और बहुत अच्छे से जो है हमें हर बाल तक ब्लेंड करना है अपने मटीरियल को, यानी कि जो अभी हमने मिक्सचर तैयार किया है। मैं अगेन एक दफ़ा फिर से आपको बता देती हूँ, 8.19 नंबर को हमने 10 वॉल्यूम डबल रेशो में यूज़ करते हुए जो है वो अप्लाई किया है। अच्छे से मल्सिफाई करना है बाल पर, ताकि बाल के डेप्थ तक जो है इस कलर को जो है वो पहुंचाया जा सके। और इस कलर को हमने 20 मिनट रखना है, ठीक है। 20 मिनट तक के बाद हम लोगों ने बालों को वॉशिंग देंगे और आप देखेंगे कि आपको एक बहुत खूबसूरत सा स्क्रीन कलर मिल जाएगा, ठीक है। और ब्लीचिंग जो हम लोगों ने कट डाउन का मटेरियल लगाया था, उसकी टाइमिंग भी आप लोगों के साथ मैं शेयर कर लूँ कि उसको कितना टाइम लगा, ठीक है। मैक्सिमम उसको जो है वो 30-35 मिनट के बाद हमें अगेन एप्लीकेशन करना पड़ता है, ठीक है। और अगेन एप्लीकेशन के 20-30 मिनट के बाद हमें अपना मतलूबा, अगर बाल वर्जन होता है तो हमें अपना मतलूबा रिजल्ट मिल जाता है। और इस केस में भी सेम यही हुआ कि हमें जो है वो 30 मिनट के बाद हमने हर फॉइल को जो है वो हर फॉइल को दोबारा से खोल के चेक करना है, ठीक है, कि कहाँ पे हमें कितना रिजल्ट, क्योंकि बाल फॉइल ऐसा होता है कि जिसमें प्रॉपर तौर पर हमसे मिस्टेक हो जाती है, हमने ठीक तरीके से अगर अपने प्रोडक्ट की एप्लीकेशन नहीं की होती है या किसी भी रीजन से जो है, तो आपको अगर आप हर फॉइल को देखेंगे, चेक करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर आपका रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, तो आप वहाँ पे अगेन एप्लीकेशन कर सकते हैं। वैसे भी आपको 2 टाइम जो है वो ब्लीच को अप्लाई करना ही करना है 10 लेवल तक अपने बालों को लिफ्ट करने के लिए, ठीक है।
और उसके बाद फिर आपने जो है वॉशिंग करा देनी है। और वॉशिंग करा लेनी है, अगर आपके बालों में येलो पिगमेंट आपको ज़्यादा नज़र आ रहा होता है तो फिर आप वॉयलेट शैम्पू ले सकते हैं, ठीक है, उसके साथ अपने बालों को वॉश करा लें। अदरवाइज़ आप 8.19 क्यूने ब्रांड के मैं प्रोडक्ट्स पे जो है वो आज भी काम कर रही हूँ, ठीक है। क्यूने ब्रांड ही का मैंने 8.19 नंबर लिया है और उसको मैंने जो है डबल क्वान्टिटी में 10 वॉल्यूम डेवलपर के साथ मिक्स करते हुए जो है वो अप्लाई किए हैं, अच्छे से मल्सिफाई किया है, 20 मिनट का जो है वो वेट दिया है, रिजल्ट आप लोगों के सामने है। बहुत अच्छे से कमेंट कीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनने में, पूरा पूरा दिन आप लोगों के लिए खड़े होकर वीडियो का जो है वो किया जाता है, फिर उसके ऊपर आपको पता है एडिटिंग वगैरह करने में बहुत टाइम लगता है, तो और आपका एक लाइक जो है वो हमारी हौसला अफजाई जो है वो कर देता है, तो लाइक जो है वो फ़ौरन कर दीजिए, दुआओं में याद रखिए। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।